बेटा, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ ई करंट कैरिंग क्वाइल. नाउ एंड वी आल्सो डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर क्वाइल कैरिंग करंट. बेटा, ये मैंने मान ली कि ये मेरे पास कोई भी एक सर्कुलर क्वाइल है. सर्कुलर क्वाइल है. लेट दिस इज ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस ए. इसकी रेडियस है वो हमारे पास ए के बराबर है. दिस इज ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस ए. ओ हमने मान लिया बेटा इसका सेंटर पॉइंट है. नाउ वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर. बेटा, हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है. और कहाँ पर कैलकुलेट करना है बेटा? बेटा, हमें कैलकुलेट करना है इसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कैलकुलेट करना है. अब बेटा, हमने क्या किया कि ये मैंने कोई भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया. स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, उसकी लेंथ डी एल के बराबर. नाउ बेटा, यहाँ से हमें इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है. और कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे बेटा? हम पी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं. और मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस है वो हमारे पास आर के बराबर है. एज वी नो बाई बायोट सावर्ट लॉ, डी बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वेयर. थीटा है वो एंगल है बिटवीन डी एल एंड आर. और बेटा, ये हमारे पास थ्री डायमेंशन में, देखो इस एक्सिस पे कैलकुलेट करना है. जब यहाँ से हम इस पॉइंट पे ड्रा करेंगे तो डी एल और जो हमारे पास जो आर है इनके बीच का एंगल है वो 90 डिग्री का होगा. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. हैंस डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर के बराबर है. अब बात आती है बेटा डायरेक्शन की. हमने ये पढ़ा है कि भाई जब हमारे पास डायरेक्शन होगी तब हम कहेंगे कि इस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. और जब इस लाइन के जो हमारे पास लाइन है, ये कोई पॉइंट मान लिया ए, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया सी, ए पी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. बेटा, ये मैंने कह दिया कि ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो गया डी पी. और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसके साथ जो एंगल है वो कितना बनाता है बेटा आपके पास? फाई एंगल बनाता है. देयरफॉर हमने कह दिया कि भाई इट इज अलोंग एज शोन इन द फिगर. नाउ इफ वी टेक द स्मॉल लेंथ एलिमेंट विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट. बेटा, जब स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे तो इससे भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डी बी होगा. एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड इट इज डी बी एंड दिस इज ऑल्सो एंगल फाई. बेटा, यहाँ से देखो मैंने दो डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट्स लिए हैं. डी बी का इस साइड में कंपोनेंट कितना होगा आपके पास? डी बी साइन ऑफ फाई. और बेटा, इस साइड में कितना होगा आपके पास? डी बी कोस ऑफ फाई. यही होगा बेटा, वही दो कंपोनेंट्स होंगे. इस डी बी का इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो होगा डी बी साइन ऑफ फाई. एंड इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो होगा बेटा डी बी कोस ऑफ फाई के बराबर होगा. ध्यान से देखो बेटा, डी बी कोस फाई और डी बी कोस फाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इनका इफेक्ट कितना होगा? जीरो होगा. दो कंपोनेंट लिए थे, दोनों के कारण हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैंने मान लिया डी बी डैश मान दिया इज इक्वल टू डी बी साइन ओ फाई प्लस डी बी साइन ओ फाई. ध्यान से देखने की चीज़ है इसमें कि हमने जब दो कंपोनेंट लिए थे, दो स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिए थे, तो हमारे पास इनके जो स्मॉल कंपोनेंट्स है वो ऐड हुए हैं. यही हुआ है,
डी बी साइन फाई प्लस डी बी साइन फाई। और बेटा अगर हम इसके लार्ज नंबर ऑफ एन कंपोनेंट्स लेंगे तो बोलो कितने टाइम्स जुड़ेगा साइन का कंपोनेंट, एन टाइम्स हमारे पास ऐड हो जाएगा, एन टाइम्स ऐड होगा। देयरफॉर मैं कहता हूँ कि अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है देन हम कहेंगे इंटीग्रेट डी बी साइन ऑफ फाई। एन कंपोनेंट लिए थे, एन को ऐड करेंगे, और जब हम एन को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या होगा बेटा इसका कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल टू डी बी साइन ऑफ फाई के बराबर होगा। दोबारा देखो इसका, मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास कोई भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया, ये सर्कुलर कॉइल है, इस एक्सिस पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ बेटा। बेटा यहाँ से जब स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले होगी तब मैं कहूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट बोलो ये वाला पार्ट है या नहीं, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट के बोलो ये वाला और इसका डायमेट्रिकली अपोजिट ही। तब हमने क्या किया कि डायमेट्रिकली अपोजिट जो कंपोनेंट्स थे वो क्या करते हैं बेटा एक दूसरे के कोस को कैंसिल आउट करते हैं, और हम कहेंगे कि टोटल के लिए साइन को क्या कर रहे हैं कि एड अप करते हैं। तब हम कहेंगे कि डी बी डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी बी साइन ऑफ फाई के बराबर होगा। आगे देखो बेटा, डी बी डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्केयर साइन ऑफ फाई के बराबर होगा। और बेटा यहाँ से बी डैश निकाला है हमने, टोटल बी डैश की वैल्यू आई बी डैश इज इक्वल टू म्यू नोट आई इंटू साइन ऑफ फाई अपॉन फोर पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, एंड ये है बी डैश इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई इंटू साइन ऑफ फाई अपॉन फोर पाई आर स्क्वेयर इंटू हमारे पास किसके बराबर आया, टू पाई ए के बराबर आ गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जब ये एंगल फाई है तब ये एंगल भी क्या बनेगा आपके पास है? फाई एंगल बनेगा। और इसी ट्राइंगल में जो इन ट्राइंगल पी ओ ए साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करो, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपो आर के बराबर होगा। यह है बेटा बी डैश इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई आर स्क्वेयर इंटू ए अपॉन आर इंटू टू पाई इंटू ए के बराबर आया। और बेटा मैं इसको क्या कह सकता हूँ, बी डैश इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई इंटू टू इंटू पाई ए स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब के बराबर आया। और बेटा आर की वैल्यू देखो यहीं से, आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसकी पावर कितनी आई बेटा, वन बाई टू। आर क्यूब निकालोगे तो बेटा कितना आएगा आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर थ्री बाई टू के बराबर आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना है, म्यू नोट अपॉन फोर पाई इंटू टू पाई आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसकी पावर कितनी आई आपके पास, तीन बटे दो के बराबर आ गई। बेटा टू पाई से टू पाई कैंसिल आउट करो तो कर लो, अदरवाइज आप कह दोगे कि भाई ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। हो गया, अब देखो इसका स्पेशल केस करते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस मैं यही करता हूँ कि भाई अगर हमारे पास x है वो जीरो के बराबर है, और बेटा जब x की वैल्यू हमारे पास जीरो के बराबर होगी तब हम कहेंगे बोलो क्या इसके सेंटर पे होगा या नहीं होगा। तो यहीं पे हमने सबसे पहला केस किया कि भाई इफ़ x इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो मीन्स एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, क्वाइल के सेंटर के ऊपर बैठा। और जैसे ही क्वाइल के सेंटर पे कैलकुलेट करोगे तो देखो बी डैश इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू पाई आई ए स्क्वेयर अपॉन,
एक्स जीरो बता दिया, ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और बी डैश की वैल्यू आई बेटा म्यू नोट अपॉन 4π 2π आई ए स्क्वेयर अपॉन ए क्यूब, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया बेटा, एंड वी गेट बी डैश इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4π आई अपॉन ए इन टू, बोलो 2π आया था या नहीं, सेंटर पे आया था। उसके बाद दूसरा केस कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास पॉइंट एक्स है वो बहुत बहुत दूर हो, और कहाँ से हो, रेडियस से बहुत बहुत बड़ा हो, दैट इज़ हमने कह दिया कि एक्सिस के ऊपर हम बहुत दूरी पे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, देन हम कहेंगे बेटा बी डैस की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नोट आई अपॉन 4π म्यू नोट आई, एक बार पूरा लिखते हैं बेटा, एक बार बी डैस इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू 2π आई ए स्क्वेयर अपॉन 4π इंटू एक्स स्क्वेयर, बोलो इसकी पावर 3/2 होगी या नहीं, एंड वी कैन से दैट म्यू नोट इंटू 2π आई ए स्क्वेयर अपॉन 4π इंटू एक्स क्यूब के बराबर होगी। ठीक बेटा, एक केस और कर सकते हैं इसका, एक केस और क्या कर सकते हैं कि भाई इसके सरफेस के ऊपर, रिंग के सरफेस पे, और जब रिंग के सरफेस पे हम कैलकुलेट करेंगे तब उस केस में हम क्या करेंगे कि एक्स है वो किसके बराबर पुट कर देंगे, हम ए के बराबर पुट कर देंगे, और बेटा जब एक्स को ए के बराबर पुट करोगे तब हमारे पास क्या आएगा, बी डैस की वैल्यू आएगी, बी डैस इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4π 2π आई ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसकी पावर कितनी है बेटा 3/2, यही आएगी, एंड अगर इसको सोल्व करते हैं तो बी डैस हमारे पास कितना है, म्यू नोट अपॉन 4π 2π आई ए स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। बेटा मैथमेटिकली आपको सोल्व करना आना चाहिए, ध्यान से देखोगे इसको, सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन है, बी डैस इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4π 2π आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 रेज टू पावर 3/2 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ बेटा, और ए स्क्वेयर की पावर 3/2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्यूब, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और पाई से पाई कैंसिल आउट कर लो जी, देन वी गेट बी डैश इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4√2 इंटू ए के बराबर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रिंग। बेटा सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक्सिस पे कैलकुलेट करोगे तब हमारे पास आएगा कि म्यू नोट अपॉन 4π 2π आई ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 एंड अलोंग द एक्सिस आएगी। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक तो यह है, उससे आगे हमने क्या किया कि इसका स्पेशल केस किया है, और स्पेशल केस में हमने ये बताया है कि पहला केस किया है कि एक्स जीरो के बराबर है, और अगर हमारे पास एक्स जीरो के बराबर है तब हम कहेंगे कि सेंटर पे हो गया, और सेंटर वाला कैलकुलेट कर दिया। दूसरा हमने कह दिया कि एक्स बहुत दूर है, और जब एक्स हमारे पास बहुत लार्ज डिस्टेंस दूरी पे है देन हम कहेंगे कि बी डैस आ गया, और तीसरा पार्ट हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, इसके सरफेस पे कैलकुलेट किया है, एंड सरफेस पे कितना है, म्यू नोट आई अपॉन 4√2 इंटू ए के बराबर आ गया। अब हमारे पास आता है कि अगर ये करंट लूप है तो मैं आपसे कह दूँ कि इसमें क्वेश्चन पूछूँ कि भाई ये हमारे पास कोई भी एक करंट लूप है, मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि ये करंट लूप है, इसकी रेडियस हमने ए बताई थी, इसमें करंट है बेटा ऐसे ही बताया था हमने, आई करंट फ्लो करता है। अब ये कहता है कि अगर हमें इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और इस पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है, तब ये कहता है कि डायरेक्शन है वो हमारे पास कैसी होगी, इन विच डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्टिंग, इन विच डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्टिंग। बेटा चाहे पॉइंट पी यहाँ पे हो और चाहे पॉइंट पी यहाँ पे हो,
मैग्नेटिक फील्ड पहले भी इसमें भी इस साइड में होगा, और क्यू के ऊपर भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगा। देख लो, ये करंट कैरिंग रिंग थी। मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि इसमें करंट फ्लो कर रहा था, देखो इधर, और इस साइड से भी निकालोगे जो पॉइंट इधर है, तो भी हमारे पास बोलो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी। कि द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या करेगी, ये एक्ट करेगी। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी कि बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई I a स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, और ये कह दे कि एक्स है वो टेंड करता है किसकी साइड में, इन्फिनिटी की साइड में, तब ये कहता है कि इन्फिनिटी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा आपके पास, 0 के बराबर होगा। चाहे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले लो और चाहे क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये कहता है कि सेंटर के ऊपर मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे हम सेंटर से चलते हैं तो हमारे पास इट विल डिक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एज शोन इन द फिगर। दिस इज द वैल्यू एट द सेंटर, एंड जैसे जैसे हम एक्स से पॉजिटिव में जाओ और चाहे एक्स नेगेटिव में जाओ, मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखो, इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं एक्सिस वाले। ये कहा है कि भाई हमारे पास दो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल्स हैं, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल ये वाली है बेटा, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल है ये वाली बताई है। इसका सेंटर इसने बता दिया O1, इसका सेंटर है वो O2 है, दोनों की एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एज शोन इन द फिगर। ये कहा है कि ये मेरे पास कोई भी एक पॉइंट पी है विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बोथ द सर्कुलर कॉइल्स। अब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, और बेटा क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट पी। इसमें हमने मान ली कि जो डायरेक्शन है करंट की वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसमें हमने जो डायरेक्शन माननी है वो कैसे मान ली इसमें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इधर से करंट आई फ्लो करता है, इसमें से करंट है वो आई फ्लो करता है, एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज आर। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे क्या बताया इसने, दो करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख रखे उनके एक्सिस एज शोन इन द फिगर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे बेटा हमें कैलकुलेट करना है जो दोनों के सेंटर से हमारे पास कितनी दूरी पे बताया इसने बेटा, एक्स डिस्टेंस दूरी पे बताया है। इसमें करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस कॉइल के अंदर करंट है वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। बेटा एक्सिस पे लाई करता है तो पहली रिंग से कैलकुलेट कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, और B1 है तो हम क्या कहेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई I इंटू रेडियस का स्क्वेयर अपॉन एक्स का स्क्वेयर प्लस रेडियस स्क्वेयर, और उसकी पावर कितनी आएगी बेटा, 3/2 के बराबर आएगी, यही आएगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, देयर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 एंड इट विल बी एक्टिंग एज शोन इन द फिगर। नाउ इसके अंदर हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होगा B2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई I इंटू आर स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, इसकी पावर भी कितनी आएगी बेटा, 3/2। और इसमें कैसे कर रहे हैं, इसमें हमारे पास फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तब हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड B2 इस साइड में होगा एच शोन। बेटा यहाँ से देखो B1 है वो B2 के बराबर है या नहीं, और मैंने मान लिया कि किसके बराबर मान लिया, B के बराबर मान लिया, और बोलो B1 और B2 इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है,
बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी वन का स्क्वेयर प्लस बी टू का स्क्वेयर एंड बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और कितना है बेटा रूट टू बी के बराबर आ गया एंड बी नेट इज इक्वल टू रूट टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू पाई आई आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर कितनी आएगी 3/2। और जब बेटा दोनों के दोनों हमारे पास वेक्टर सेम हो तो बोलो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा। तो ये मैंने कह दिया कि दिस इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक बोलो कोई डाउट है तो देखो एक बार इसको।